हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। हम लोग यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज कर रहे थे। पहली प्रैक्टिस सेट थी, उसमें हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन, विज्ञान के 50 क्वेश्चन और अब तक मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन तक कर लिया है। तो आज फिर से मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ मैथ्स के। चलिए फ्रेंड्स, उसको करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और लाऊंगी वो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है एक पाई चार्ट है, कंपनी के विभिन्न खर्चों प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है। जो कंपनी में खर्चे होते हैं उसके प्रतिशत विभाजन को बता रहा है ये पाई चार्ट। आरेख का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें कि परिवहन 15% है, किराया 5% है, वेतन 15% है, कच्चा माल 30% है, बिजली 25% है, ब्याज 10% है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है? ए कच्चा माल, बी वेतन, सी परिवहन, डी बिजली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा खर्च तो कच्चा माल है, सेकेंड नंबर पर बिजली है, बिजली 25% सबसे ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात, ये बताना है क्या होगा। ए है 2:1, बी है 1:1, सी है 1:2, डी है 3:1। चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे उतना समझ में नहीं आएगा। कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात बताना है। ठीक है, कच्चे माल में जो व्यय हो रहा है 30% और परिवहन में जो व्यय हो रहा है 15%, 30 और 15 45 हो गया, और उसके वेतन से अनुपात, वेतन का कितना है 15%, मतलब 45% अनुपात 15% कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है? ए 100%, बी है 50%, सी है 200%, डी है 150%। कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर खर्च किए जाने से कितना अधिक है? क्वेश्चन में पूछ रहा था कंपनी पर ब्याज का खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिशत बताना था। तो जो ब्याज पे खर्च हो रहा है कंपनी में वो है 10%, 10 में से किराए का खर्च 5% वो घटा देंगे बाय 5 × 100, इस तरीके से हमारा परसेंटेज निकल आएगा, तो टोटल 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% आया ना। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, उधार दी गई राशि कितनी होगी? ए 1000, बी 1500, सी 2400, डी है 3000। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, उधार दी गई राशि कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि उधार दी हुई राशि कितनी है, एक्स है। ठीक है, एक्स मान लेते हैं कि उधार दी गई राशि है, और ब्याज की राशि जो थी वो उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम थी, क्वेश्चन में यही था, ये इसको हमने लिख लिया। तो जो ब्याज होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है। तो ब्याज दी गई राशि हमको पता है और मूलधन हमने एक्स माना है, दर 5 वर्षों के लिए उसने दिया था। ठीक है, समय
5% के दर से 15 वर्षों के लिए दिया था, तो दर 5% हो गया और समय हो गया 15 साल बटे 100। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। रखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में हमारा क्या क्या आएगा, अभी 5 से इसको कट कर देंगे, ठीक है, 5 से 100 को कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर जो है पाँचों को 20, हाँ ठीक है, 20 आ गया। फिर इसको जो है 3 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 20, ठीक, या हमारा। फिर अब इस 4 को राइट साइड, जो 4 है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 4x माइनस 250 में जब 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 3x, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 3x राइट हैंड साइड के 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और इसे 1000 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये, ठीक है। तो उधार दी गई राशि मतलब कि मूलधन कितना आ गया हमारा, 1000 रुपये। चलिए इसको देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन रुपये में क्या है बताना है। ए है 4000, बी है 3500, सी है 5000, डी है 2500। एक राशि है जिसको कि 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने के लिए 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन बताना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मूलधन हमारा यहाँ पे क्या है, P है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। साधारण ब्याज दिया हुआ है 800 रुपये, ठीक। दर दिया हुआ है 16% की दर से 2 साल के लिए, ठीक है, ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक, 16% की दर 2 साल के लिए बटे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 2500 रुपये, ठीक। जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 2500 रुपये आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की, उसे 3144 रुपये की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई, उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी लगभग में बताना है। ए है 3080 रुपये, बी है 2500 रुपये, सी है 3100 रुपये और डी है 3000 रुपये। अरविंद जो है एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर दे दिया है 8%, उसे जो है 3144 रुपये की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से मिली, उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी ये बताना है, ठीक है। जनवरी से अगस्त तक उन्होंने जमा किया था, तो पहले तो हम देख लेते हैं कितने समय तक उन्होंने निवेश किया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अरविंद ने जो है कितने समय तक निवेश किया। उसने जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 7 अगस्त तक निवेश किया, उसके बाद उसने निकाल लिया था। तो जनवरी के 21 दिन, फरवरी के 29 दिन, क्योंकि 2012 की बात हो रही तो 12 में जो है 29 दिन होंगे, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 7 दिन। इन टोटल दिनों को हम जो है कितने दिन हुए ये काउंट कर लेंगे, टोटल जो है 220 दिन आएंगे, ठीक।
यहाँ पे हमारे टोटल 220 दिन आ गए, जोड़ेंगे 220 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि उस मूलधन कितना है, x है, हमें पता नहीं है तो मूलधन x मान लेंगे। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है, आप और हम लोग जानते ही हैं, अभी पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर लिए। तो मूलधन मतलब कि x इंटू 8 मतलब कि दर 8 हो गई, समय 220 बटे 366, जनरली तो 365 दिन होते हैं लेकिन वो लीप ईयर था तो 366 दिन, उसे डिवाइड करेंगे बाय 100। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर इसको 366 को हम नीचे लेते आएंगे, तो x इंटू 8 इंटू 220 बटे 100 गुणे 366, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं। अब हाँ, आगे सॉल्व करेंगे तो 176x बाई 3660। ठीक, अब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, इसको कट कर देंगे हम लोग, 4 से कट करेंगे, 44 आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 915, तो हमारा हो गया 44x बटे 915। इसीलिए जो होगा मूलधन, जो होगा मूलधन प्लस 44x बटे 915, ठीक, बराबर कितना दिया हुआ है, 3144, ये मान दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करते चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, अब इस 915 को जो है हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे, आप देख रहे होंगे, और इसको ले जाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इसको एक से हम मल्टीप्लाई करें, ये कर लेंगे, फिर जब प्लस करेंगे इन दोनों को 915 और 44 तो आ जाएगा हमारा 959। ठीक, 959x बराबर, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3144 और 915 को तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी 2876760। ठीक है, 2876760। ठीक, अब जो है x की वैल्यू इससे निकाल लेंगे हम लोग, इसको भी डिवाइड करेंगे 2876760, इसको जो है 959 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी लगभग क्या एग्जैक्ट आ रही है, 2999.74। ठीक, जो कि लगभग 3000 के बराबर है। तो ये पूछ रहा है लगभग मूलधन कितना था, तो हमारा लगभग 3000 के आसपास आ गया। चलिए अब इसको कर देंगे हम, यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 3000 रुपये लगभग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x तथा y एक संख्या है, 3, 4, 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या जो है 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, a है 2, b है 4, c है 6, d है 8। x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक संख्या दे दिया था जिसको कि 80 से डिवाइड करना था, 3, 4, 7 xy। ठीक, अब इसको जब 80 से डिवाइड करेंगे तो अभी तो ये दो बार जा रहा है, एक बार जाएगा, चार बार जाएगा, तो फिर 320 उतरेगा हमारे पास 7 और 2, x भी ले लेंगे, फिर ये तीन बार जाएगा 240, फिर आएगा हमारे पास 3xy। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x और y की जगह पे x की जगह 2 रख दें और y की जगह 0 रख दें तो फिर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 80 से, है ना, मतलब कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अगर x और y का मान जो है 320 हो जाए तो। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ दें 2 + 0 = 2, यही वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 और 80 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 60 और 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं उनका योग पूछ रहा है, ए है 272, बी है 284, सी है 351 और डी है 414। तो चलिए इसको भी सारी की सारी 60 और 80 के बीच के अभाज्य संख्याओं को लिखना होगा और उनको जो है जोड़ देना होगा, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा।
60 और 80 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 61, 67, 71, 73 और 79, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और है नहीं। जब इनको जोड़ेंगे तो हम लोग तो फिर आएगा 351, ठीक है, यही वैल्यू है। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को इसको जो है एक क्रम में लगाना होगा, सबसे बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या, उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वही बताना है। तो क्रम से सबसे पहले तो लिख लेना होगा। अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो ये हो जाएगी 8, 6, 5, 2, 0 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या जो होगी 2, 0, 5, 6, 8 यही होगी, क्योंकि अगर 0 पहले कर देंगे तो 0 का मान ही नहीं रह जाएगा इस संख्या के अंदर, है ना। जब इसको जो है अंतर पूछ रहा है, माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 6 जाएगा 5 आ जाएगा, अब यहाँ पे बचा 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, अब यहाँ पे बचा हुआ है 6, 6 में से 5 0 जाएगा 5 और 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है, 65,952 यही अंतर आ रहा है, ठीक। इसको हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में जो है 65,952 यही है हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, प्राकृतिक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है। बी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। सी, प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या है। डी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये बताना है यहाँ पे, ठीक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है, ये तो सही है, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होती है एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये तीनों ही कथन सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, ये कथन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।